हेलो, मैं हूँ नेहा और आपका स्वागत है नेहा किचन में। नहीं नहीं, ना तो मेरा कैमरा उल्टा है और ना ही मैं उल्टी हूँ, ये घर ही उल्टा है। ये मेरे ऑफिस के बाहर एक गार्डन है जहाँ पर ये अपसाइड डाउन घर है, तो मैंने सोचा कि आज अपने चैनल में मैं इस घर को आपको शो करती हूँ। तो ये लंदन का लेक साइड एरिया है जहाँ आप ये घर दे सकते हैं और इस घर के अंदर भी जा सकते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ आज की रेसिपी की। अमरूद एक ऐसा फल है जो विटामिन सी से भरपूर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक खट्टी मीठी सी सब्जी बनाई जाए। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है जो हमारे घर में छोटों से लेकर बड़ों तक को बहुत पसंद है। तो चलिए देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। तो कमेंट और लाइक करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए ले लें आप पहले एक पका हुआ अमरूद मध्यम आकार का, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर और दो बड़ा चम्मच गुड़ का। कढ़ाई को आप मीडियम फ्लेम में रखें और इसमें 3 चम्मच तेल डाल दें। याद रखिएगा कि जो अमरूद है वो अच्छा पका हुआ हो, सॉफ्ट हो। कच्चे हरे जो अमरूद रहते हैं वो आप इसमें बिल्कुल यूज ना करें। तेल जब गर्म हो जाए आप उसमें डाल दें जीरा, और जीरा को अच्छे से आप फूटने दें पहले, और जब जीरा अच्छे से फूट जाए तो आप उसमें डाल दें खड़ा धनिया। अगर आपके पास खड़ा धनिया नहीं है तो आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, बट आप ट्राई करिएगा कि इसमें खड़ा धनिया ही डालें क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में। हमारे भारतीय खाने में इतना न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि इस सब्जी में जो कि अमरूद है विटामिन सी से भरपूर है और जो गुड़ है वो आयरन से। तो ये देखिए, मैंने अमरूद को एक रफली चॉप कर लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में, और आप इसे कढ़ाई में डाल दें और फिर इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें धनिया और जीरा के साथ, और फिर इसमें आप डाल दें हल्दी और मिर्च पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्च पाउडर इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और फिर आप इसे 1 मिनट तक अच्छे से चला लें, मिक्स कर लें तेल के साथ और मसाले के साथ, और फिर इसमें आप डाल दें अपने स्वाद के अनुसार नमक। ये जो अमरूद का जो एक खट्टापन होता है वो इस सब्जी में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, नमक डालकर भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि अमरूद में अच्छे से नमक अंदर तक चले जाए, और इसमें फिर आप डाल दें 1 कप पानी। तो अमरूद को हम पानी के साथ थोड़ा सा पका लेंगे। आप इसे ढककर 10 मिनट तक पकने दें, और 10 मिनट के बाद ये देखिए, अमरूद जो है वो पूरे नहीं पके हैं, थोड़ा सा पकना बाकी है, और बस इसी स्टेज में आप डाल दें जो कि गुड़ को हमने रखा था। मैंने गुड़ को थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया था, और वो गुड़ आप डाल दें। आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं अगर आपको शक्कर पसंद है, पर गुड़ बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। आप गुड़ की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, और फिर आप इसे अच्छे से अमरूद के पकने तक ढककर पका लें। और ये देखिए, मुझे इसे पकाने में 5 मिनट लगे हैं और अमरूद पूरी तरीके से अच्छे से पक चुके हैं। तो अगर आपने बहुत ही पका हुआ अमरूद यूज किया है तो आपको कम समय लगेगा पकाने के लिए। और ये देखिए, इसका ये जो रस है ये पीने में बहुत ही अच्छा लगता है, और ये जो अमरूद है खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अमरूद की खट्टी मीठी से ये सब्जी आपको कैसी लगी, ये मुझे कॉमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।